दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने जाते जाते सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन के स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार नियुक्त करने का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। दरअसल मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में सौम्या जैन को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस ने खूब शोर शराबा मचाया और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद एलजी ऑफिस ने सौम्या की नियुक्ति से संबंधित फाइलें अपने पास मंगवाई थी। अब एलजी की ओर से मामले में जांच की कई वजह बताते हुए एक पत्र सीबीआई को भेजा गया है। पत्र में पूरे मामले का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। सौम्या जैन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के स्टेट हेल्थ मिशन में 18 अप्रैल 2016 से सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था, ताकि वह स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों पर सलाह दे सके। उन्होंने इसके लिए 1 अप्रैल 2016 को आवेदन किया था, लेकिन पत्र के मुताबिक इस मामले में संदेह की बात है कि 18 अप्रैल से सौम्या की नियुक्ति के मामले को सरकार की मंजूरी 10 मई 2016 को मिली। यही नहीं, आवेदन और बायोडेटा के मुताबिक सौम्या के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि उनके पास आर्किटेक्चर फील्ड में काम करने का अनुभव है। इसके साथ ही उनकी नियुक्ति के लिए कोई खुली और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। यही नहीं, सौम्या ने कहा था कि वह इस सेवा के लिए कोई मानदेय नहीं लेंगी, लेकिन प्रशासनिक विभाग से हासिल सूचनाओं से खुलासा हुआ है कि उनके दौरे और प्रशिक्षण पर 1,15,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई जल्द ही दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पंजाब चुनाव में आप पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे भी केजरीवाल सरकार पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता आया है। देखते रहिए डीबी लाइव।